प्रियंका चोपड़ा ने बयां किया पति निक जोनस के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर अपना दुख। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकी सिंगर निक जोनस एंटरटेनमेंट जगत के पावर कपल माने जाते हैं। दोनों की जोड़ी फैंस को काफी पसंद आती है। प्रियंका और निक जोनस 1 दिसंबर 2018 को शादी के बंधन में बंधे थे और अब उनकी शादी को 3 साल पूरे हो गए हैं। प्रियंका और निक ने बेहद शानदार तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट किया। इस सेलिब्रेशन का एक वीडियो निक ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। इस वीडियो में निक ने अपनी और प्रियंका की रोमांटिक डिनर डेट की झलक दिखाई है, जिसे देखकर दोनों के फैंस उन्हें जमकर बधाई दे रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रियंका चोपड़ा एक कुर्सी पर बैठी हुई कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कैमरे की खूबसूरत डेकोर भी साफ नजर आ रही है। प्रियंका के सामने एक टेबल भी है जिस पर कैंडल और फूल रखे हुए हैं। इसके अलावा कमरे में आसपास कैंडल लगी हुई है और फूलों से सजावट की हुई है। इस वीडियो से ये तो साफ जाहिर है कि प्रियंका और निक ने अपने इस खास दिन को काफी शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया है। प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने इंस्टाग्राम पर इस सेलिब्रेशन की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में उन्होंने अपने टेबल की झलक दिखाई है। इस टेबल पर एक कार्ड भी नजर आ रहा है जिस पर लिखा है मैरिड यू। साथ ही दीवार पर लिखा है हमेशा और हमेशा के लिए। इस तस्वीर के साथ प्रियंका ने लिखा है सपने को जीना। बता दें कि बीते कुछ दिनों से प्रियंका और निक के रिश्ते को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही थीं, जिसमें कहा गया कि दोनों जल्द ही सेपरेट होने वाले हैं। हालांकि निक और प्रियंका की यह तस्वीर इस बात को बयां करती है कि आज भी दोनों के बीच ढेर सारा प्यार है। हाँ, वो बात अलग है कि पिछले 1 साल से प्रियंका और निक अपने काम की वजह से अलग रह रहे थे। दरअसल प्रियंका चोपड़ा पिछले काफी समय से अपनी आने वाली वेब सीरीज सिटाडेल की शूटिंग कर रही हैं। इस सीरीज की शूटिंग के कारण प्रियंका चोपड़ा को ज्यादातर अपने पति निक जोनस से दूर लंदन में गुजारना पड़ता है। ऐसे में हाल ही में प्रियंका ने एक इंटरव्यू में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और मैरिज पर बात की और कहा कितने लंबे समय तक निक जोनस से अलग रहना उनके लिए मुश्किल रहा है। प्रियंका ने कहा ये साल वास्तव में उनके लिए कठिन रहा है। मेरी माँ और मेरे भाई इंडिया में थे, मेरे पति अमेरिका में थे और मैं यूके में अकेली थी। हालांकि निक मुझसे मिलने के लिए सब कुछ छोड़ देते थे। वो इतनी दूर से आते थे मेरे साथ एक रात का डिनर करने के लिए और फिर वापस चले जाते थे। इस इंटरव्यू में प्रियंका ने अपने और निक के सेपरेशन को लेकर उड़ी अफवाह पर भी बात की और उन्होंने कहा कि हमारे बीच कोई सेपरेशन नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के दिल पर नजर रखनी चाहिए कि आपका पार्टनर कैसा महसूस कर रहा है। ये बहुत जरूरी होता है और मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे पति ऐसा करने में अमेजिंग हैं। अब प्रियंका के इस बयान से ये बात तो साफ हो गई है कि प्रियंका और निक अलग नहीं होने वाले हैं।